बंधुओं जय श्री राम। गौ माता की सेवा हो, सेवा हो। मैं दीपक मालवीय, राष्ट्रीय हिंदू सेना प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। बंधुओं, आप सभी से हमें एक अपील करने के लिए वीडियो हम लोगों ने बना रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त हिंदू समाज से अपील करता हूं कि राष्ट्रीय हिंदू सेना आज रात्रि से गौ माता की सेवा करने जा रहा है नगर में, जो कि आप लोगों को जैसे कि ज्ञात हो कि बैतूल नगर के अंदर हजारों गौ माता दिन में अलग अलग झुंड बनाकर, रात्रि में अलग अलग झुंड बनाकर नगर में घूमती है, और घूमने के बाद में चौक चौराहों पर, रात्रि जब होती है तो चौक चौराहा पर वो विश्राम करने बैठती है। इस विश्राम करने के दौरान कई वाहन की चपेट में गौ माता आने के कारण वाहन भी दुर्घटना में, जो लोग होते हैं वो दुर्घटना से घायल हो जाते हैं और गौ माता भी घायल हो जाती है। इन गौ माता को इन दुर्घटनाओं से बचाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू सेना के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा एक व्यक्ति 5-5 बेल्टों के माध्यम से गौ माता को रेडियम के बेल्ट लगाने जा रहा है। इस बेल्ट के माध्यम से गौ माता की सुरक्षा तो होंगी छोंगी, लेकिन आम जनों की भी इसमें सुरक्षा होंगी। आप जैसे, आप समस्त हिंदू समाज से मेरी अपील है कि आप लोग भी इस सहयोग में, इस कार्य में अपना पुण्य लाभ भी मिल सकता है आपको, और आप इस मुहिम के माध्यम से हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी अपने जन्मदिवस हो, आपका जन्मदिवस हो, आपके परिवार में किसी का जन्मदिवस हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, उस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं को 5 बेल्ट सहयोग से दान कीजिए, और उस बेल्ट को हम लोग गौ माता के गले में लगाएंगे ताकि गौ माता की रक्षा हो सके, गौ माता सुरक्षित हो सके और आम जन भी सुरक्षित हो। आप जैसे सभी को ज्ञात हो कि गौ माता में हमारे 33 करोड़ कोटि देवी देवता निवासरत है। इस गौ माता का पूजन करने से कई लाभ, कई फल हमें प्राप्त होते हैं। इसी गौ माता की सेवा के रूप में हम लोग राष्ट्रीय हिंदू सेना निरंतर सहयोग प्रदान करते जा रहे हैं। आप लोग समस्त देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि हम लोग गौ माता की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों में हमारे नगर में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें हमारी गौ माता भी घायल हुई है दुर्घटना में, और आमजन भी घायल हुए। हम इन लोगों को बचाना चाहते हैं। हमारे इस मुहिम में समस्त हिंदू समाज सहयोग प्रदान करे। गौ माता सभी हिंदू समाज की है, पूजनीय है, इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि राष्ट्रीय हिंदू सेना की इस मुहिम को, इस सफल मुहिम को आप लोग सहयोग प्रदान करें ताकि ये भव्य और सफल हो सके और सभी को इसका आशीर्वाद प्राप्त हो। गौ माता का जय जय श्री राम।